107 News। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा खंडवा दौरे से होकर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। यहां उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे सैम पित्रोदा के बयान की निंदा की और कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा इंदौर लोकसभा सीट पर नोटा का प्रचार करना उनकी पार्टी की छोटी मानसिकता को दर्शाता है। वहीं उन्होंने पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए अक्षय बम को खोटा सिक्का कहकर संबोधित किया। इंदौर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें भाजपा जीतने जा रही है। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता रहे सैम पित्रोदा के बयान की निंदा करते हुए इसे सैम पित्रोदा की छोटी मानसिकता करार दिया। उनका कहना है कि सैम पित्रोदा हमेशा से विवादित बयान देते आए हैं और देश के बारे में इस तरह की बयानबाजी करना भारत देश का अपमान है। शर्मा ने कहा कि जहां एक और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत की बुराई करते हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ देश भर में भाजपा की बुराई करते हैं और देश के संविधान पर उंगली उठाते हैं। वहीं सबसे कम उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बनने का दावा करने वाले जीतू पटवारी इन्हीं दोनों नेताओं की राह पर चल रहे हैं और प्रदेश में महिलाओं के बारे में बेहद घिनौनी बयानबाजी कर रहे हैं। बातों ही बातों में वीडी शर्मा ने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी पद से अपना नामांकन वापस लेकर भाजपा ज्वाइन करने वाले अक्षय कांति बम को खोटा सिक्का करार दिया। हालांकि बाद में उन्होंने बताया कि यह खोटा सिक्का कांग्रेस के लिए था। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा साथ न मिलने के चलते अपना नामांकन पत्र वापस लिया और भाजपा की सदस्यता ली, जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। अच्छा मुझे बताओ, इससे बड़ा कोई झूठ है क्या? आपका कार्यकर्ता, आपका नेता जीतू पटवारी जी का खास, आपको फाइनेंसर खास हो जो भी, मुझे नहीं पता कौन सा खास है, और आपने ही टिकट दी, भारतीय जनता पार्टी टिकट देने की थी क्या? और विड्रॉवल करने के बाद उन्होंने प्रेस में आप लोगों का कि मैं अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अपने मन से, तो जीतू पटवारी की थोड़ा बहुत तो इज्जत रखो अपनी। युवा अध्यक्ष बन गए आप, अलग बात है, पर इंदौर जैसे महानगर में अगर आप कुछ बोलते हो तो आप प्रबुद्ध लोग रहते हैं। इतना झूठ कैसे चल सकता है कि आपका जो प्रत्याशी था उसने विड्रॉवल किया और वो खुद प्रेस लेकर के कह रहा है कि भैया मैंने अपने मन से स्वेच्छा से मुझे चुनाव लेना, पुरी के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी बहन ने वापस ले लिया। उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं कर सकती, तो फिर किडनैपिंग है। मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र में भी आरोप लगाया था, जीतू पटवारी गए थे अपने मुंह लेकर के लौटा ये फार्म भरवाने पहुंचे थे और दूसरे दिन वो सब हो गया। वहां भी यही कह रहे थे कि गुंडागर्दी हो रही है और एक आदमी उनकी तीन बार का विधायक है, उसकी पत्नी लड़ रही थी, वो एक बार विधायक रह चुकी है और वो कोर्ट के अंदर नहीं जा रहे। मैंने सुना कि छपरा है कि विवेक तनखा लगे कि कोर्ट चलो, वो कह रहा मेरे को नहीं जाना। अब ये कांग्रेस देखिए मजाक बन रहा है। आप स्वीकारोक्ति जीतू पटवारी ने दी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ जीतू पटवारी जी कि आपने ये स्वीकारोक्ति और रायुष उद्घाटन कर दिया। राहुल गांधी को कहो कि छुट्टी लेकर के चले जाए, जो कहाँ कहाँ जाते हैं विदेशों में, ताकि आराम करें। मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे और 400 पार के ऊपर इतिहास देश के अंदर बनेगा। ये जीतू पटवारी खुद इस बात का उल्लेख मध्य प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतेगी। सभी पत्रकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की कितने खतरनाक हालात है। सैम पित्रोदा अभी इस्तीफा दे रहे हैं, फिर कांग्रेस के अंदर की बात बताएंगे क्या है। अभी माननीय मोदी जी ने कल सभा में कहा कि कांग्रेस के कुछ लोग जो पहले कांग्रेस के पॉलिसी मेकिंग में थे, अब वो कांग्रेस से बाहर आ गए। अब वो क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कॉन्स्पिरेसी की मिलकर के कि राम मंदिर बन रहा है तो बन जाने दो, लेकिन राम मंदिर पर बाबर का ताला लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। कितनी कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस कर रही है, केवल किसके लिए? तुष्टीकरण की राजनीति के लिए। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार तुष्टीकरण की राजनीति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दुनिया के अंदर। ब्रिटेन से लेकर के दुनिया के देश
इस बात के लिए कहते हैं कि भारत के अंदर आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और भारत के नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को नकारते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति का बहुत बड़ा उदाहरण है भारत के अंदर, केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए, और वो वर्ग भी अब खुश नहीं है। उनको भी लग गया कि हमें एक केवल वोट बैंक मान करके राजनीति होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर वोट बैंक भी अब कहता है कि हमारे जीवन में बदलाव आया है तो मोदी जी के नेतृत्व में ही आया है। तो ये तो ऐसे जो लोग हैं, ये देश को तोड़ने वाली ताकतों वाले लोग हैं। जो इस्तीफा भी देते क्या है, उनके मन के अंदर तो अंग्रेजों के जींस उनके खुद में आज भी है। डिवाइडेड रूल, ये क्यों बोला जा रहा है सर कि डिवाइडेड रूल करके कैसे सत्ता में आया जा सकता है जो अब इस देश के अंदर संभव नहीं है। वोट जिहाद नहीं, अब राम राज्य पर देश चलेगा और मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर जिन लोगों को लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं देश और समाज के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के नीति में, नेतृत्व में हमें विश्वास है, तो भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार के केवल राजनीतिक दल के लोग नहीं, सभी समाज वर्गों के लोग, आर्टिस्ट भी है, कला खिलाड़ी भी है, डॉक्टर्स भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, हमने सबका स्वागत किया है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति दरवाजे पर आता है और उसे लगता है कि नहीं, मैं अब मोदी जी के नेतृत्व में यहां से छोड़ करके जाना चाहता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सदस्यता दी है। राधिका खेड़ा जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता, जिनके ऊपर इस प्रकार से राम मंदिर का दर्शन करने के कारण कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस के लोग उस बहन के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, उस बहन ने भी पीड़ा व्यक्त की और भारतीय जनता पार्टी में आकर के उन्होंने कहा, तो हमने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। ये भारतीय जनता पार्टी पर उन लोगों का विश्वास है। इसलिए हाँ, हम बहुत कुछ देख पर करके भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट कार्य पद्धति पर काम करने वाला दल है और यहाँ जो आते हैं वो पद्धति से निकलते हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं है। यहाँ तो प्यूरीफायर भी लगा है और यहाँ तो एक्सरे भी लगा है, सब कुछ लगा है, यहाँ चिंता नहीं है। लेकिन देश का, जनता का जिस प्रकार का वातावरण है, उसमें आज भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ आपके लिए एक ऐसा बिजनेस जिसके डिमांड ज्यादा और सप्लाई करने वाले कम, SIP म्यूचुअल फंड का बिजनेस। NJ इंडिया के साथ जुड़कर SIP म्यूचुअल फंड में पार्टनर बनकर पेशिव इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए संपर्क करें अमित मिश्रा वित्तीय चिकित्सक से। संपर्क करें 9827710237 9300015005।